Hello, good morning children. Today we are going to study English literature. Children, take out English literature workbook 1. Okay. Worksheet 3, reading, page number 11. Okay. Everyone, take out page 11. Before reading, how does a caterpillar become a butterfly? Number the pictures in the correct order. So children, first you see the picture. First one, 1, 2, 3, 4. So you write here first one, this box, 1, 2, 3, and 4. Okay. Now, the caterpillar. Read the poem first. Okay. Brown and furry caterpillar in a hurry. Take your work to the shady lake or stop. May no toad see you. May the little birds pass by you. Spin and die to live again a butterfly. This poem written by Christina Rossetti. Again, children, मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है? The caterpillar. Caterpillar क्या है? हम लोग जब बटरफ्लाई बनने का आगे कैटरपिलर होता है, ठीक है? कैटरपिलर ही बनता है किसमें? बटरफ्लाई में. पहले उसका फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट. पहले वो ऐसा रहता, उसके बाद ऐसा अपने आप को एक जगह में अपने आप को बंद कर लेता, उसके बाद आस्ते आस्ते वो अपना भीतर में बटरफ्लाई बनता, उसके बाद वो पूरा बटरफ्लाई होके बन जाता है. तो ऐसा जो चीज़ है, इसी के बाद ऊपर ये लिखा गया है, ये रिटन बाय क्रिस्टिना रोसेटी. ब्राउन, रीड द पोएम फर्स्ट. ओके. सो ब्राउन एंड फरी, कैटरपिलर ब्राउन कलर का है और उसका बदन में बहुत सारा हेयर भी है, फरी. कैटरपिलर इन अ हरी, और कैटरपिलर जो है, ये आप लोग सी द पिक्चर, कैटरपिलर जो है वो बहुत बहुत जल्दी में है. टेक योर वर्क, तो आप लोग देख सकते हो कि वो उसको देख रहा है कि वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे अपना रास्ता, वो रास्ता से वो चल रहा है, आराम से वो जा रहा है. टू द सैडी लेक और स्टॉप, तो कहाँ जा रहा है? सेफ फ्रॉम सनलाइट. वर्ल्ड बैंक, यू सी चिल्ड्रेन, वर्ल्ड बैंक. तो जहाँ उसको सनलाइट का रोशनी ना मिले, ऐसा कोई लिप जगह में. और स्टॉक मीन्स एक द थिन स्टीम ऑफ अ लीफ और प्लांट, तो ऐसा कोई पतला टहनी पर जहाँ वो आराम से रह सके. तो कहाँ जा रहा है? टेक योर वर्क टू द सैडी लीफ और स्टॉक, तो आराम से वो जा रहा है. कहाँ जा रहा है? न जहाँ कोई सनलाइट नहीं रहेगा, आराम से वो रह सकता, और एक पतला से टहनी जहाँ पत्ता हो, हरा पत्ता, वहाँ वो आराम से जा रहा है. मे नो टोड सी यू, मे द लिटिल बर्ड्स पास बाई यू. जहाँ टोड, टोड मीन्स उसको बोलता फॉग. सो जहाँ वहाँ कोई फ्रॉग टाइप का टोड कोई नहीं रहेगा, उसको कोई खाने के लिए, मतलब उसको डरा डर जो है, टोड कोई उसको परेशानी नहीं करेगा. मे द लिटिल बर्ड पास बाय यू, जो कोई मतलब टोड उसको देखेगा नहीं.
मे नो टोड सी यू, टोड उसको देखेगा नहीं, और लिटिल जो छोटे छोटे जो बर्ड है अगर उसका उसका साइड से पास भी हो जाएगा, चल जाएगा, तो पत्ता के कारण उसको कोई देख नहीं सकेगा, ठीक है। सो मे नो टोड सी यू, टोड भी उसको देख नहीं सकता, और मे द लिटिल बर्ड पास बाई यू, और जितना छोटा छोटा पंछी पक्षी है जो पास होगा वो भी उससे देख नहीं सकेगा। सो स्पी एंड ड्राई, सो अभी वो क्या होगा, वो मर जाएगा, ओके। अभी वो क्या करेगा, वो अपने आप को ढक लेगा और मर जाएगा, उसको खोल का अंदर में, जैसे खोल का अंदर में वो घुस जाएगा पूरा, और अपने आप को वहाँ वो मर जाएगा। फिर वो क्या होगा, टू लिव अगेन अ बटरफ्लाई, फिर वो जीवित होके, अंदर में जीवित होके बटरफ्लाई में परिवर्तन होगा। सो चिल्ड्रेन एवरीवन सी कि हाउ कैन कैटरपिलर अगेन टू लिव अगेन अ बटरफ्लाई। सो वेरी नाइस पोएम, ब्राउन एंड फरी कैटरपिलर इन अ हरी टेक योर वर्क टू द सैडी लिव और स्टॉप, मे नो टोड सी यू, मे द लिटिल बर्ड्स पास बाय यू, स्पिन एंड डाई to live again a butterfly. So this poem is written by Christina Rossetti. So children, practice word bank, sadi and stalk, safe from sunlight. Sadi means safe from sunlight, stalk means the thin stem of a leaf or plant. So children, practice page 11 nicely, okay.